विधानसभा चुनाव के दौरान जिले में लाइसेंसी शस्त्र को जमा करवाया गया है। विधानसभा की आदर्श चुनाव आचार संहिता तो हट गया है, लेकिन उसके तुरंत बाद विधान परिषद का चुनाव का आचार संहिता लागू हो गया है। स्थानीय निकाय विधान परिषद का चुनाव 9 अप्रैल को होगा और मतगणना 12 अप्रैल को होगा। उसके बाद ही आदर्श आचार संहिता हटेगी, लेकिन जिले के कई असलहा के दुकानदार अपने द्वारा खुद ही अपने से समझ कर उनके पास जमा असलहों को रिलीज कर रहे हैं। वहीं कई दुकानदार कोई ऑर्डर ना होने से और अधिसूचना जारी रहने की बात कहकर असलहा मालिकों को वापस लौटा रहे हैं, तो असलहा धारक उनसे झगड़ा कर रहे हैं। ऐसी शिकायत कई लोगों ने किया तो गोरखपुर न्यूज ने जिले के असलहा कार्यालय पर पता किया तो अनौपचारिक बातचीत में असलहा लिपिक ने किसी तरह का असलहा रिलीज करने का आदेश जारी ना होने की बात कही और बताया कि उनकी जानकारी है कि किसी दुकानदार ने कोई असलहा रिलीज नहीं किया है। ऐसे में यह कंफर्म हो गया है कि अधिसूचना अभी भी जारी है और असलहों को 12 अप्रैल के बाद ही रिलीज होने संबंधी आदेश जारी होगा और आदेश निर्गत होने के बाद ही किसी का असलहा रिलीज हो सकेगा। कुछ रिलीज करने का परमिशन आया क्या जो चुनाव के दौरान जमा हुआ था? नहीं, अभी कोई ऐसा आदेश पारित नहीं हुआ है। डीएम महोदय द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया गया है, इस संबंध में कोई बात भी नहीं हुई है, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा जमा कराने और अमुक कराने का आदेश पारित होता है। अभी बहरहाल कोई आदेश पारित नहीं, ना ही डीएम महोदय द्वारा जो है जिले में स्वस्थ करने के लिए आदेश कोई ऐसा दी। कुछ गन हाउसों द्वारा रिलीज किया जा रहा है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी? अभी इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है।